फाड़ के चला गया रोहित शर्मा। अब अगर कोई संगीन गलती की तब इंडिया ये मैच हारेगा। डे वन पे उसने दीवार पे लिख दिया ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त। इंडिया अगर कल का पूरा दिन बैटिंग कर जाता है तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया से गेम बहुत दूर ले जाएगा। इंडिया बॉलिंग करता है तो बॉलिंग में कमाल कर देता है, और जब इंडिया बैटिंग करने आता है तो ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग भी भूल जाता है। ये क्या कहानी चल रही है। पहले दिन तो कम से कम ऐसी पिच नहीं थी है कि जिस पे ऑस्ट्रेलिया 177 पे ऑल आउट हो जाए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में देखिए पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन जब टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट के पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने का प्रयास किया है। और इतना ही नहीं, रविंद्र जडेजा के 5 विकेट लेने पे एक न्यू कंट्रोवर्सी छिड़ गया है कि रविंद्र जडेजा अपनी उंगली में लगा के कुछ तो कर रहे थे जिससे वो 5 विकेट ले लिए हैं। इन सब चीज पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन तो देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप ये सुंदर तस्वीर तो देखिए। आपको बता दूं कि ये केस भरत और उसकी माँ का तस्वीर है। अभी तक केस भरत आंध्र प्रदेश के घरेलू टीम के लिए खेल रहे थे, लेकिन अब उनका टीम इंडिया में डेब्यू हो चुका है। और आज जैसे ही नागपुर टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केस भरत अपना डेब्यू मैच खेलने के लिए मैदान पे उतरे, उसकी माँ भावुक हो गई और मैदान में आकर केस भरत को गले लगा ली। अब इस तस्वीर पे आपका क्या रिएक्शन है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अब रविंद्र जडेजा का एक फुटेज सामने आ रहा है जिसमें रविंद्र जडेजा बॉलिंग करने से पहले गेंद में कुछ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो फुटेज के लेके पाकिस्तानी मीडिया में ऑस्ट्रेलिया मीडिया का क्या कहना ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस पाकिस्तानी मीडिया का आज के मैच को लेके रिएक्शन देख लीजिए। जब बॉलिंग करने के लिए आती है इंडियन टीम तो पिच बॉलिंग हो जाती है, जब इंडियन टीम बैटिंग करने आती है तो पिच बैटिंग हो जाती है। ये ऐसा कौन सा खजाना है, ऐसा कौन सा जलवा चलता है इंडिया में। सबसे बड़ी बात आज के दिन हुई है वो ये हुई है पूरे भारत के लिए, क्रिकेटिंग फैंस के लिए, अक्रॉस दी ग्लोब क्रिकेटिंग फैंस के लिए, कि रोहित शर्मा एक बार फिर अपने जोबन पर दिखाई दिए। पाकिस्तान ने भी पिछले साल के आगाज में इन्हीं महीनों के अंदर ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे हम खेल रहे थे और हमने जिस तरह की प्लेसेट, हमने जिस तरह की डोसाई पिचेस बनाई थी, उस पिचेस का कोई हासिल नहीं हुआ। साबित क्या हुआ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम पे प्रेशर डालोगे ना तो पैट कमिंस जैसा बॉलर भी अपनी लाइन और लेंथ भूल जाएगा, जो रमीज राजा का कहना था ना, क्योंकि पैट कमिंस उनका फास्ट बॉलिंग अटैक ऐसा है, हम उनको उनके हाथों में नहीं खेलना चाहते थे। आज ये जीतता जाता लेसन है कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हो तो आप इन जैसी बॉलिंग लाइनअप और ऑस्ट्रेलिया की जो एक मेंटल सुप्रीमेसी, एक स्ट्रेंथ वाली टीम की अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर ये बड़ी प्राइड लेती है, आप उसको भी मेंटली क्रम्बल कर सकते हो। आपको बता दूं कि इसी महीने में पिछले साल ऑस्ट्रेलिया टीम पाकिस्तान का टेस्ट मैच के लिए दौरा किया था और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान के लिए ऐसा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उसके घर में घुस के हराया था। लेकिन तब इन पाकिस्तानी मीडिया को उतना बुरा नहीं लगा था जितना अब लग रहा है, क्योंकि अभी टीम इंडिया उस ऑस्ट्रेलियन टीम को धूल चटा रहा जिस ऑस्ट्रेलियन टीम ने पाकिस्तान को घर में घुस के हराया था। हाथ वर्ल्ड क्लास, पहली क्लास, दूसरी क्लास, इनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई टीम घर पर आती है, यानी कि आपकी आपके मेहमान होते हैं, आप अपनी मर्जी की पिचेस बनवाते हैं, अपनी मर्जी का रोलर चलवाते हैं, तो पैट कमिंस को 4 ओवर में 27 बनते हैं, आपकी तरह 12 ओवर में उसको 25 नहीं बनाते, उसको जो है लाइन और लेंथ मेंटेन करने का मौका नहीं देते, चढ़ाई करते हैं भाई, डोमिनेंस शो करते हैं कि आप हमारे पास खेलने आए हो, हम आपके पास खेलने नहीं आए। ये बता दिया है कि डोमिनेंस क्या होती है। ये लोग तो कहते हैं हमने सेशन में डोमिनेट किया, ये होता है डोमिनेट करना। फाड़ के चला गया रोहित शर्मा। अब अगर कोई संगीन गलती की तब इंडिया ये मैच हारेगा। दोस्तों इस पाकिस्तानी मीडिया का दर्द इसलिए छलक रहा है क्योंकि इस बार भी न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने हिसाब से पिच बनवाया था, लेकिन फिर से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में घुस के हरा दिया था। लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया, न्यूजीलैंड हो या फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, उसके खिलाफ अपना क्रिकेट प्रदर्शन दिखा रहा है, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के क्रिकेट टीम पे ही बरस पड़े हैं। अब इन्हीं पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बड़े बड़े मैनेजमेंट हैं एवं उनके जो कप्तान हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वो किसी भी टीम के खिलाफ अच्छी तरीके से डोमिनेंट करते हैं, लेकिन किसी भी टीम के खिलाफ डोमिनेंट कैसे करना होता है वो उसे भारत से सीखना चाहिए, ऐसा पाकिस्तान मीडिया अपने ही टीम यानी बाबर आजम और रिजवान को ऐना दिखाने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। अब बात करें रविंद्र जडेजा की इस वीडियो की, तो इसमें साफ और क्लियर हो चुका है कि रविंद्र जडेजा किसी भी प्रकार के गेंद
गेंद में अपना स्टैंपिंग या कोई भी ग्लू नहीं लगा रहे थे, तो सवाल उठता है कि रविंद्र जडेजा मोहम्मद सिराज के हाथ से क्या ये लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि रविंद्र जडेजा जो मोहम्मद सिराज के हाथ से लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो एक प्रकार का उंगली में दर्द होने की वजह से लगाया जाता है, जो ICC के नियम के अनुसार वैलिड है। अब ICC ने खुद इसे अपने अंडर लेके विस्तार से जांच करके इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने को कहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने देश का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।